छठ पूजा का त्यौहार एक ऐसा पावन अवसर है जब घरों में स्वाद और संस्कार का संगम देखने को मिलता है ये ना सिर्फ पारंपरिक स्वाद का आनंद देता है बल्कि ऊर्जा और सेहत से भरपूर लड्डू होते हैं तो चलिए आइए इस पावन पर्व पर मिठास और बढ़ाने के लिए बनाते हैं सत्तू के लड्डू तो जैसा कि आपने देखा चने को जो है अच्छे से साफ करके दरदरा पीस लिए हैं अब इसको घी डाल के भूनेंगे और इसकी आँच धीमी ही रहेगी धीरे धीरे इसको चलाते हुए भूनते हैं और इसकी खुशबू तो पूरे घर में ही फैल गई अब इसमें घी डाल के इसमें जो है बादाम काजू पिस्ता डाल के अच्छे से धीमी आंच पे ही भूनेंगे ताकि स्वाद और बढ़ जाए लड्डूओं का ये भुन गए हैं सत्तू के लड्डू ना सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पाचन क्रिया के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं ये दरदरा पीस लिए हैं ड्राई फ्रूट सारे ठंडा के और इस सत्तू में मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स को ये अच्छे से मिलाएंगे और फिर ये जो गुड़ है इसको हमने कद्दूकस कर लिया था ताकि अच्छे से ये भी मिल जाए और इसको भी डालकर मिलाते हैं इलायची पाउडर डालना भूल गए थे चाहे तो आप लोग डाल लीजिए इससे स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा इनको सारा सब मिक्स करके इनको बांध के देखते हैं ये देखिए अच्छे से बंध रहे हैं और बहुत हल्के हाथों से ही दबाएंगे ज़्यादा अगर तेज़ दबा देंगे तो फूट जाएंगे लड्डू ये बहुत हल्के हाथों से गोल गोल करके घुमा लेंगे ये देखिए अच्छे से लड्डू बन रहे हैं ये बन गए इनको थाली में सजाएंगे ये और इसकी घी और इसकी महक का जो स्वाद है इन लड्डुओं को खास बनाते हैं फिर इस पर जो है चाँदी वर्क लगाया और पिस्ता से गार्निश कर दिया और आप बना के जरूर देखिए खिलाइए खाइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू ठीक है ओके स्वस्थ रहिए मस्त रहिए